छत्तीसगढ़ के बड़े आदिवासी नेता और कांकेर लोकसभा से पूर्व सांसद सोहन पोटवाई का निधन हो गया है। कैंसर की बीमारी से पीड़ित रही पोटवाई ने अपने गृहनगर कांकेर में अंतिम सांस ली। सोहन पोटवाई पहले भाजपा में थे, वह सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ कांकेर लोकसभा सीट से चार बार सांसद भी रह चुके थे। पोटवाई के निधन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत राज्य के कई बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया और कहा कि सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष कांकेर लोकसभा से पूर्व सांसद सोहन पोटवाई के निधन का दुख है और सीएम ने कहा कि उनका जाना एक अपूर्णीय राजनीतिक और सामाजिक क्षति है। उनके सामाजिक योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। ईश्वर उनके परिवारजनों और चाहने वालों को संभल दें। सांसद सोहन पोटवाई जी के निधन से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। लगातार कांकेर लोकसभा के को प्रतिनिधित्व करते रहे, कभी चुनाव नहीं हारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका टिकट अचानक काट दिया था। तब से लेके पूरे जीवन भर समाज के लिए वो संघर्ष करते रहे। कई बार उनसे मुलाकात हुई और समाज के हितों के बारे में उन्होंने चर्चा की और हम सब मिलकर समाज के उत्थान और विकास के लिए फैसले भी लेते रहे। उसके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है आदिवासी समाज के लिए।